जय हिंद, नमस्कार, वेलकम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए प्यारे साथियों, आपका यह त्रिकोणमिति का जो अनुप्रयुक्त चल रहा है, इसका जो है ना वीडियो 3 आ गया है ना, पार्ट 3, ठीक है ना। इससे पहले पार्ट 1, 2 और एक इसका बेसिक क्लास आपको हम बता दिए हैं, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। आई बटन में लिंक मिल जाएगा अथवा सारा वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास जो पार्ट 3 है, सो करते हैं स्टार्ट, ठीक है ना। चलिए, वीडियो यदि आप सभी को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, इतना आप लोग काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सवाल है हमारा क्या भाई, ट्राई कर लेते भी। हाँ ठीक है, ठीक है। सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सवाल है। तो क्या करते हैं, एक हम लोग मीनार बना लेते हैं। चलिए चलिए, ये हमारा हो गया कोई मीनार। मान लिया जाए कि हमारा ए और बी कोई मीनार है, ठीक है ना, और बी सी जो है ना हमारा भूमि है या पादबिंदु है मीनार का, ठीक है। यहाँ हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। तो बोलता है क्या, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, यह मीनार हो गया, इसका पाद बिंदु यह हो गया, यहां से यहां इसका जो दूरी है 30 मीटर है। चलिए 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण यहां पे बन रहा है कितना, 30 डिग्री बन रहा है। उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई। देखिये ध्यान से, मीनार की ऊंचाई, ये वाला हमारा मीनार है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग कितना, एच मीटर ऊंचा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए जिसको निकालना है पहले उसको हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोग पिछले वाले वीडियो में मानते थे। चलिए आइए इनको करते हैं सॉल्व। माना कि मीनार की ऊंचाई, देखो भाई हम लोग मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई जो है वह कितना है, एच मीटर है। जैसे हम लोग पहले मानते थे मीनार की ऊंचाई एच मीटर है, तो इस मरतब मान ले क्या, एच मीटर है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमारा ए बी जो है, ए बी मीनार हमारा है, यह कितना है, एच मीटर है। और पाद बिंदु देखिए, पाद बिंदु ठीक है, जो कि हमारा बी सी है, यह पाद बिंदु बी सी का जो दूरी है वह कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो आइए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका की कोण बी हमारा क्या है भाई, 90 डिग्री है ना, बी हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो इस एंगल से यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधा। तो लंब बटा आधा किस में आता है, टेन में आता है। तो लिखेंगे क्या, टेन थीटा, यानी कि थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। टेन 30 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी, एन आधार जो है वो बी सी हो जाएगा। आधार क्या हो गया भाई हमारा, बी सी हो गया। बहुत ही सिंपल सवाल है ना। तो टेन 30 का वैल्यू पता है ना क्या होता है, यह होता है 1/√3। एंड ए बी, ए बी हमारा मीनार की ऊंचाई है, यह एच हो जाएगा। एंड बी सी हमारा आधार 30 है, तो हो जाएगा 30 मीटर। अब क्या करते हैं, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, कोना को नहीं गुणा कर लेते। चलिए इधर से गुणा करेंगे तो √3 × हो जाएगा, और इधर से गुणा करेंगे तो 30 से कम 30 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसलिए h बराबर, देखिए ध्यान से, ये हमारा जो है ना √3 गुणा में इधर भेज देंगे तो भाग में 30/√3 हो जाएगा √3। ऐसा करते हैं, नीचे हमारा अपरिमेय संख्या आ गया है, तो आपको क्या सिखाया है कि सकर्तना है परिमेयकरण, कर देते हैं हम परिमेयकरण √3/√3। तो चलिए हो जाएगा 30√3 ऊपर में, और नीचे गुणा करने पर 3 हो जाएगा, यहां से काट देंगे 10 बार में, तो हमारा हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई हमारा निकल गया 10√3 मीटर। लास्ट में एक लाइन लिख देना है हम लोगों को क्या, अतः मीनार की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर है। यह क्या है हमारा, मीनार की ऊंचाई, या हमारा क्या हो गया, अभीष्ट आंसर निकल गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए आप लोग जब वीडियो देखते हैं ना,
तो देखबे करते हैं, बट कम से कम थोड़ा कमेंट क्या कीजिए, ठीक है ना, कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। तो थोड़ा एक शरीर में क्या आता है, एक एनर्जी जग जाता है। चलिए इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सवाल नंबर आते हैं पांच पे, और पांच में क्या है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, क्या जी पतंग मरण हो गया है। पतंग पर लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री है, तो यह मानकर क्या क्या दिखाई जी, यह मानकर कि डोरी में कोई ढिलाल नहीं है, तो डोरी की लंबाई याद कीजिए। चलिए पहले आपको एक डायग्राम बना के समझा रहे हैं। हाँ चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मान लीजिए मेरा पतंग है, कैसे पतंग होगा जी, ठीक है। चलिए यहाँ पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ भूमि से यह 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है, ए बी है ना, ए से बी भूमि की ऊंचाई हो गया जहां पर कि पतंग उड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु सी लिए, और यहाँ पर जो ना यह जो है ना ई जो है हमारा ए सी हुआ, यह डोर हो गया, किसका डोर, तो पतंग का, ये हमारा क्या हो गया, डोर हो गया, बिल्कुल अस्थायी रूप से इसको बांध दिया गया है और पतंग यहाँ पे उड़ रहा है। हमें इसी डोर की लंबाई निकालनी है, हम इसको मान लेते हैं x, है ना, ऊंचाई तो नहीं है ना, ये डोर है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब सवाल पढ़ते हैं, भूमि के साथ डोर का झुकाव, यानी कि इस भूमि के साथ इस डोर का झुकाव जो बन रहा है, वह बन रहा है हमारा 60 डिग्री बन रहा है, और 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग क्या कर रहा है, उड़ रहा है। हमें निकाला इस डोर की लंबाई निकालना है कि पतंग का डोर कितना लंबा है। चलिए चलिए माना कि पतंग की डोर की लंबाई, देखिए ध्यान से, मान लेते हैं लंबाई कितना हमारा है, x मीटर है गुरुजी, कितना भाई, पतंग का जो डोर है हमारा x मीटर है, कहने का मतलब हुआ कि AC जो हमारा डोर है वह कितना है, x मीटर लंबी है, हम लोगों ने इसको मान लिया है। उसके बाद भूमि से पतंग की ऊंचाई, देखिए ध्यान से, भूमि से पतंग की ऊंचाई, यानी कि भूमि से पतंग कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 पर, यानी कि ए बी जो हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 60 मीटर हो जाएगा। आप यहां चाहे तो लिख सकते हैं कि हमारा थीटा का मान कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ये नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ठीक है ना, लिख दीजिए अच्छा रहेगा, यहाँ थीटा का कोण कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इस एंगल से जिसको निकालना है और जो दिया है, या फिर जो दिया है जिसको निकालना है, तो इस एंगल से लंब हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, साइन में आ जाएगा, या फिर कर्ण बटे लंब किस में आ जाएगा, कोशक में आ जाएगा, आप जैसे ले सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में जिसका की कोण हमारा भी क्या है, 90 डिग्री है, क्लियर है सबका। तो इस एंगल से यह लंब हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण किस में आता है, तो साइन में आता है, क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री, लंब कितना हो गया हमारा, ए बी लंब हो गया, और कर्ण क्या हो गया हमारा, ए सी कर्ण हो गया, तो भैया हमारा ए सी हो गया कर्ण। साइन 60 का मान, देखिए इसे भी मानना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर आगे सवाल नहीं बनेगा। तो साइन 60 का मान होता है रूट 3/2 होता है, ठीक है, और ए बी हमारा है 60 मीटर, एंड ए सी हमारा डोर है जिसको हमने माना कितना, x मीटर माना है, तो मैंने लिखा x, हाँ, तो चले यहां से करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर से गुना करेंगे ना, तो रूट 3 गुना क्या रहेगा x, एंड इधर से गुना करेंगे तो 6 × 12 यानी हो जाएगा 120। अब ये रूट 3 जो है ना गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा हमारा। चलिए तो भैया हमारा x बराबर, इधर हमारा 120 है ना, ये हमारा गुना में रूट 3 है, इधर भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में रूट 3, कर देंगे इसका परिमेयकरण। चलिए करते हैं इसका परिमेयकरण, इसका कर दिए परिमेयकरण, तो x बराबर क्या हो जाएगा, गुना करने पर हो जाएगा 120 गुना रूट 3, और रूट 3 गुना रूट 3 हो जाएगा आपका 3,
थ्री से काटेंगे तो तीन चौके हो जाएगा 12, 40 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 40√3 मीटर, यानी कि डोर की लंबाई कितना हो जाएगा हमारा 40√3 मीटर हो जाएगा। लास्ट में लिख देंगे कि अतः पतंग की डोर की लंबाई कितना आ गया हमारा 40√3 मीटर है। बस हो गया हमारा आंसर, कोई उलझन नहीं है, एकदम आराम से बनाना है। देखिए जो निकालना उसको मान लेंगे, उसके बाद जो दिया गया उसको लिख लेंगे। थीटा का मान आप चाहे लिखे तो आसमान ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बात हमारा बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे साथियों। सवाल है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूर पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। ठीक है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए ध्यान से देखिएगा इसका डायग्राम को। चलिए पहले यहां देखिए, मान लिया जाए यह हमारा क्या है, एक भूमि है। ठीक है, और देखिए यहां पे जैसे हम डायग्राम बना रहे थे, ध्यान देखिएगा, पहले बना लीजिए डायग्राम, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से लड़का हो गया हमारा। ठीक है, यहां से लड़का पहले देखता है यहां पर, फिर कुछ दूर आता है यहां पर, फिर यहां। चलिए अब आपको हम समझा रहे, बन गया। अब चलिए अब हम क्या क्या किए हैं, ये जो है ये मान लिया जाए कि हमारा जो है ना ये लड़का है। क्या है, लड़का है। तो चलिए ए और बी, ये हमारा क्या है, कोई भवन है। ए सी यानी यहां नीचे तक भवन है, ये तो मेरा लड़का यहां तो यहां देखिए ये लड़का का ऊंचाई हो गया, ये भी लड़का का ऊंचाई होगा क्योंकि सेम है। 1.5 मीटर है, कितना है 1.5। जब लड़का यहां पे था, चलिए ए बी सी, चलिए इसका नाम है क्या डी ई एफ, चलिए इसका नाम है क्या जी, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यही लड़का चल के यहां आ गया, यानी पहले जब लड़का यहां पे था तो कौन कितना बन रहा था, 30 बन रहा था। कितना बन रहा था भाई, 30 बन रहा था। फिर जैसे लड़का यहां से यहां तक आया, समझ रहे हैं ना, यहां से यहां तक आया, तो लड़का अब कौन 30 से कितना बन गया, अब बन गया 60 डिग्री बन गया। ठीक है, 60 बन गया। तो लड़का बोलता है सवाल में क्या कि लड़का कितना दूरी चलकर गया, नहीं लड़का मात्र यहां से यहां तक ही आया है। चलिए इसकी दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मीटर मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, एक्स, कि लड़का मान लिया जाए कि डी से जी तक आया है, एक्स मीटर दूरी तय किया है, इसी एक्स का मान तो निकालना है हम लोगों को। और क्या है कि 1.5 मीटर अगर यह हो गया तो भी कितना होगा, 1.5 ही होगा, और यहां से यहां भी कितना हो जाएगा आपका, वही ना होगा जी, 1.5 ही होगा। ठीक है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। और भवन जो है 30 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब हुआ भवन यहां से लेकर यहां जमीन तक, यहां तक हमारा कितना भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं यहां से यहां तक का मान निकाल लेते हैं, E2 मान निकालें यहां तक, क्योंकि हमारा त्रिभुज ऊपर ही बन रहा है ना, नीचे से मतलब नहीं है। चलिए यहां पे देखते हैं, देखिए जो हमें निकालना है पहले उसको मान लेते हैं आराम से, बहुत ही सिंपल है, खाली एकदम आराम से हल देखना आपको। ठीक है ना, माना कि लड़के द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। मान लिया कि लड़का जो है ना कितना दूरी तक क्या है, x मीटर। चलिए कितना क्या है जी, x मीटर क्या है, इसका मतलब हुआ कि d से कहां तक, d से g लड़का दूरी कितना तय किया है, x मीटर क्या, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। उसके बाद जो है ना हमारा भवन जो है, भवन कौन भवन है, ए से लेकर सी तक, नीचे यहां बी तक नहीं, जमीन तक ना होगा जी, ए से लेकर सी तक भवन हमारा है। भवन ए सी है ना, कितना है हमारा,
30 मीटर की ऊंचाई है, हम निकाल लेते हैं ई वाला एंगल, निकाल लेते हैं ई वाला, यहां तक निकाल लेते हैं, यानी कि ए से बी। तो ए बी निकालेंगे तो क्या करेंगे, पूरे 30 में घटा देंगे ई वाला हिस्सा, लड़का घटा देंगे 1.5 घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपका, 28.5 मीटर बचेगा। बस अब कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, अब कुछ नहीं करना है। अगर लिखना है तो आप लिख दिया कि चित्रानुसार, चित्रानुसार मतलब अब हम लोग जो काम करेंगे ना चित्र के अनुसार से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा दो त्रिभुज बन रहा है, एगो ई वाला एगो ई वाला बन रहा है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज में हम लोग ले सकते हैं, पहले चलिए हमको हम लोग इसी में लेते हैं, ए बी जी में लेते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए ए बी जी में, ए बी जी में जिसका कि कोण बी, यहां पे बी क्या बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है, बी कितना बन रहा है हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो ध्यान देखिए इस त्रिभुज में आइए और देखिए ध्यान से, इस एंगल से यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, यानी कि हम ए बी मान निकाल लिए हैं, कितना आया है 28.5 आया है, ध्यान दीजिएगा 28.5 आया है। तो इस एंगल से यह लंब, यह हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार किस में आता है तो हमारा 10 में आता है, 10 कितना है तो 60 डिग्री है। चलिए लंब हमारा हो जाएगा ए बी, ठीक है ए बी, अब बटे आधार हमारा ई टू हो जाएगा, बस त्रिभुजे पर इस त्रिभुज में आया है ना, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ध्यान देखिएगा, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जी और बी हो जाएगा, ठीक है। तो टेन साठ का वैल्यू कितना होता है, जो रूट थ्री होता है। और ए बी देखिए, ए से बी है ना, ए बी कितना निकाला है, देखिए ए बी कितना है 28.5 बटे क्या है जी बी, उसको वैसे लिख दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है एक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। चलिए तो इधर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट थ्री इंटू जी बी हो जाएगा, एंड जब इसको एक से 28 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। तो जी बी बराबर क्या हो जाएगा 28.5, ये गुणा में है तो आ जाएगा भाग में रूट थ्री, चाहे तो इसका हम लोग कर सकते हैं परिमेयकरण, कर ही लेते अच्छा रहेगा। चलिए रूट थ्री बटे रूट थ्री परिमेयकरण कर देंगे ना, टेंशन से हम लोग मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 28.5 रूट थ्री यहाँ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक थ्री हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8, 2, 10, 5, 15 तीन से कट रहा है, 3 × 3, 3 × 27.3 × 15। चलिए आपका ना जी बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9.5 रूट थ्री मीटर। चलिए यहाँ से जो है ना हमारा क्या निकला, बस ई टू हिस्सा निकला है, हमें तो ई निकालना है ना, चलिए कोई बात नहीं निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा हम लोग का जो मान आया हुआ है ना, जी बी कितना आ गया है 9.5 इंटू रूट थ्री मीटर आ गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज बरका वाला में, ए बी डी में आते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं इरेज, यानी कि मिटाते हैं इसको, तब ना जगह मिलेगा तभी ना बनाएंगे। बस इस मान को सिर्फ याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसमें, देखिएगा ध्यान से, समकोण त्रिभुज इसमें ए बी डी में, ए बी डी में जिसका कि कोण बी बन रहा है 90 डिग्री, तो इस एंगल से ए वाला हो जाएगा लंब और नीचे वाला हो जाएगा हमारा क्या आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार किस में आ जाएगा भाई हमारा 10, कितना डिग्री तो अब 30 डिग्री लेंगे, तो लंब हमारा हो जाएगा ए बी और आधार हमारा यहां से यहां हो जाएगा, ए यहां से यहां हो जाएगा क्या बी और डी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा रूट इसका 10-30 का मान होता है 1/√3 होता है, और ए बी, ए बी का मान तो मेरे पास है 28.5, तो लिखेंगे 28.5 बटे, अब थोड़ा गौर कीजिएगा यहां से यहां तक की दूरी की क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं ना यहां से यहां, यानी कि डी जी, समझिएगा ध्यान से, डी जी अजोर जी बी नहीं होगा, देखिए ना बी से डी
बराबर क्या होगा, यहां इतना जोड़ इतना हमारा हो जाएगा, चलिए वन बटे रूट थ्री है, बटे आपका है 28.5 बटे देखिए डी जी, ये डी जी जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, एक्स प्लस जी बी, देखिए जी बी का मान निकला हुआ है कितना 9.5 रूट थ्री, कुछ समझ में आया। यहां देखिए ये डी जी को हम क्या लिखे, एक्स लिखे, उसके बाद जी बी, जी बी का मान निकाले हैं 9.5 रूट थ्री यहां पे लिख दिए। अब यहां से क्या करेंगे, इसका सॉल्वेशन करेंगे, है ना, इधर से जब गुणा करें एक से तो आपका रहेगा एक्स प्लस 9.5 रूट थ्री रहेगा, ठीक है, जब इधर से गुणा करेंगे होगा आपका 28.5 रूट हो जाएगा थ्री। अब हमें निकालना x निकालना है क्योंकि लड़का हमारा x दूरी तय किया है, x निकालना है तो x को रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, x को रखेंगे इधर हमारा है 28.5 रूट थ्री, ये प्लस में है आ जाएगा, माइनस में 9.5 रूट थ्री हो जाएगा, क्लियर है सबका, चलिए एकदम समझ में आएगा भाई। चलिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है रूट थ्री, तो बचा क्या, बच गया 28.5 माइनस क्या बच गया 9.5 बच गया, ठीक है। चलिए अब यहां लिख देते हैं, तो x बराबर ध्यान दीजिएगा रूट थ्री तो है गुना, यहां पे घटेगा, पांच पे पांच घटेगा तो 0.। अब देखिए ध्यान से 18 में घटेगा 9 तो कितना हो जाएगा 9, बचा कितना एक, एक में कुछ नहीं घटेगा तो एक ही रहेगा, 16 के बाद 0 खत्म, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 19√3 मीटर, यानी कि लड़का जो दूरी तय किया है यहां से जो यहां आया है वो कितना दूरी तय किया है 19√3 मीटर दूरी तय किया। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत ना हो, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, लिखेंगे क्या, अतः लड़के द्वारा तय की गई दूरी 19√3 मीटर है। चलिए हो गया हमारा सवाल कंप्लीट, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि यह सवाल समझ में आया या फिर ना आया, बिल्कुल आपको हम आराम से समझाए हैं, कोई हम लॉन्ग प्रोसेस नहीं, बिल्कुल आपको शॉर्ट में बताए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं, अब देखते हैं आप लोग का क्या फीडबैक आता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा सवाल लगा, ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, ये हमारा पार्ट 3 था, मिलते हैं पार्ट 4 में बहुत जल्द ही आपका 9